शरीर साथ देना जब तक खूब तीर्थ करो भाई, और जिस दिन शरीर साथ देना बंद कर देना उस दिन तीर्थ जाने की फिर जरूरत नहीं, फिर घर को तीर्थ बनाना, फिर मन को बद्रीनाथ, मन को केदारनाथ, मन को गंगोत्री, यमुनोत्री, महाकाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, ये सब मन को बना लेना। इस मन को आपने बेवकूफ बहुत बनाया, इस मन को आपने मूर्ख बहुत बनाया। अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, बचपन ऐसे ही गवा दिया, जवानी आई तो क्या अभी कोई उम्र है शिव महापुराण में कथा सुनने की? अभी कोई आस्था चैनल पे बैठ के कोई कथा सुने मन लगे कोई? अभी कोई मन लगे कोई? अभी जो जवानी है, फिर अधेड़ी आ गई, ओ अगर कथा सुनेंगे तो कमाने को क्या सियोर वाला महाराज देगा खाने के लिए? अब सियोर वाला महाराज तो फालतू, उसके पास तो कोई काम है ही नहीं, बस 2 बजे नहीं और 5 बजे तक बैठ जाए आस्था टीवी पे चालू करके, और ऊपर से बचा कुचा था तो हमारी अम्मा के अलग पागल कर दिया है, वो भी दिन भर बस रिमोट लिए और बैठ जाए। समझदारों की बस्ती में बैठना भी नहीं अपने को, अपन तो पागल हैं, पागल रहेंगे और पागलों की मस्ती में ही बैठेंगे। भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, संकीर्तन कराने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन में डूबने वाला, लोगों ने मीराबाई को कहा ये तो बांवरी है, लोग कर्माबाई को कहते थे ये बांवरी है, कर्माबाई बिना नहाए स्नान करे भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर देती थी और भगवान खिचड़ी खाने आ भी जाते थे।